नमस्कारम, सुस्वागतम, अभिनंदन। मैं हूं आचार्य रोहन चंद्रा। आज हम बात करने जा रहे हैं पितृपक्ष के लिए, क्या कार्य करना चाहिए पितृपक्ष में, क्या नहीं करना चाहिए। बहुत ज्यादा लोगों को कंफ्यूजन है, कई मैसेजेस मेरे पास आए। आज हम ये बात करने जा रहे हैं कि पितृपक्ष में आपको क्या कार्य करना चाहिए, दान करना चाहिए तो क्या दान करना चाहिए, क्या नहीं दान करना चाहिए। बहुत सारी चीजें हैं जो आज मैं इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। जो लोग इस चैनल में पुराने हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद। जो लोग नए हैं और हमें पहली बार सुन रहे हैं उनके लिए ये एक मैसेज है कि अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ आप अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो आप लाइक करें। आज आप कुछ नया जान जाएंगे और जो गलतियां आप कर रहे हैं वो नहीं करेंगे। स्पेशली पितृपक्ष वाले दिन जो चीजें वर्जित है उसको आप नहीं करेंगे और जो चीज करनी है वो आप जरूर करेंगे। इस वीडियो के माध्यम से मैं आज आपको कुछ ऐसा बताने जा रहा हूँ जो शायद आपको नहीं पता था, और आज के बाद ये आप अगर कार्य को करेंगे तो जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आ जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पितृपक्ष का आरंभ भाद्रपद मास की पूर्णिमा तिथि से हो जाता है, जबकि इसका समापन सर्वपित्र अमावस्या तिथि के दिन होता है। यानी कि 17 सितंबर से पितृपक्ष शुरू होने जा रहा है। पितृपक्ष में श्राद्ध कर्मों के कार्यों के साथ साथ दान का भी विशेष महत्व है। दान और श्राद्ध कर्मों के कार्यों से पितरों को मुक्ति मिलती है। ऐसा कहा जाता है कि पितरों के नाम से किए गए दान से व्यक्ति को 100 गुना अधिक लाभ मिलता है। लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि पितृपक्ष में किन चीजों को दान करना वर्जित माना गया है। शायद आपको नहीं पता होगा कि कई ऐसी चीजें हैं जिनको दान करना वर्जित है। आइए जानते हैं कि पितृपक्ष में क्या दान करें और क्या ना करें। विशेष बातें हैं, इनको जरा ध्यान से समझिएगा। पितृपक्ष में अधिकांश लोग कपड़ों का दान करते हैं। आप कपड़े का दान तो कर सकते हैं, लेकिन इस बात का ख्याल रखें कि कपड़े पुराने नहीं होने चाहिए, नए कपड़े का दान ही करना चाहिए। साथ ही कपड़े ऐसे खरीदें जिसका इस्तेमाल कोई व्यक्ति आसानी से कर सके, जबकि जूते चप्पलों का दान तो आपको भूल कर भी नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से आपका राहु प्रभावित हो सकता है और आपको राहु दोष लग सकता है। पितृपक्ष में लोहे के बर्तन का दान भूल करके भी नहीं करना चाहिए। दरअसल पितृपक्ष में स्टील या चांदी के बर्तन का दान करना उत्तम माना जाता है। पितृपक्ष में इन चीजों का दान आप कर सकते हैं, जबकि लोहे के बर्तन दान करने से आपको पितरों की नाराजगी झेलनी पड़ सकती है, यानी आपको पितृ दोष लग सकता है। मान्यताओं के अनुसार व्यक्ति को पितृपक्ष में झाड़ू का दान करने से बचना चाहिए। दरअसल पितृपक्ष में झाड़ू दान करने से आपको आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही साथ पितृपक्ष में अपने घर के इस्तेमाल के लिए भी नए झाड़ू ना ही खरीदे तो अच्छा होगा। पितृपक्ष में भूल करके भी तेल का दान नहीं करना चाहिए। दरअसल ऐसा करने से आपके पितर आपसे नाराज हो सकते हैं। इस बात का विशेष ख्याल रखें कि सरसों के तेल का दान भूल करके भी नहीं करना चाहिए पितृपक्ष के समय में। सो अब बात करते हैं कि पितृपक्ष में क्या दान करना चाहिए। पितृपक्ष में अन्न का दान करना विशेष फलदायी होगा, जैसे कि गेहूं चावल का दान आप चाहें तो कर सकते हैं। इसके अभाव में कोई दूसरा अनाज भी आप दान दे सकते हैं। इस दान को करते समय संकल्प लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। संकल्प सही दान करने का विशेष महत्व है। पितृपक्ष में दो वस्त्रों का दान जरूर करना चाहिए। वह ख्याल रखें कि वस्त्र बिल्कुल नए हो। इसके अलावा आप चाहे तो सोने का भी दान कर सकते हैं। स्वर्ण दान को सबसे उत्तम दान की श्रेणी में रखा गया है। आपके सामर्थ्य के अनुसार आप सोने का दान कर सकते हैं। यदि कोई व्यक्ति आर्थिक रूप से संपन्न है तो उसे किसी जरूरतमंद व्यक्ति को भूमि का संपत्ति का दान करना चाहिए। इस दान को करने से आपको कई गुना अधिक फल मिलता है। आपको ही नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों को भी इसका पुण्य का फल प्राप्त होता है। गाय का शुद्ध घी का भी दान करने से बहुत ज्यादा उत्तम माना जाता है। गाय के घी को एक पात्र में रखकर दान करना शुभ और मंगलकारी माना जाता है। इस दान को करने से घर में संपत्ति और समृद्धि का वास होता है। इसलिए पितृपक्ष में इन सब में से आप किसी भी वस्तु का दान कर सकते हैं। इसका फल आपकी कई पीढ़ियों तक प्राप्त होता है। दोस्तों, दी गई जानकारी आशा करता हूं आपको अच्छी लगी होगी। फिर आप सभी से मुलाकात होगी अगले वीडियो में, और जो बातें बताई गई है उन बातों पर विशेष ध्यान करिए और ऐसी कोई गलती करने से बचिए। नमस्कार।